आई थिंक व्यूअर्स को इस बात का भी इंतजार था कि इसी बीच वेदिका की एंट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि यू नो जो प्रिया भी लाइफ में नहीं है राम के जिंदगी में. क्या कुछ कहना चाहेंगे रीना, थोड़ा सा गैप हो गया बीच में. सो आई थिंक दैट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो. एंड आई हैव कम बैक इन द शो आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months. And a lot have changed. 5 साल का लीप लिया है शो ने. एंड आई एम एक्साइटेड कि क्या होने वाला है आगे चीज़ें. और दो इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज इट्स आई थिंक एवरी एलिमेंट दैट्स कमिंग माई वे राइट नाउ इन वेदिकाज ट्रैक इज अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट. बट आई एम एक्साइटेड टू प्ले द लाइक यू नो द डिफरेंट इक्वेजन बिटवीन पीपल अराउंड मी. मेरे और राम के बीच में अभी इक्वेजन चेंज हो गया है और बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट जो रोल का पोर्ट्रेयल है वो भी शो में अभी चेंज हो गया है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स सी क्या होता है आगे. अच्छा, जब रास्ते तो ऑलमोस्ट ओपन ही है आपके लिए वेदिका, तो राम की लाइफ में वापसी होगी, क्या कुछ होगा, क्या वेदिका करना चाह रही है? उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. और दैट्स ओके. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर. आई थिंक सी हमारा जो इतने साल पुरानी दोस्ती है वो तो हमेशा ही रहेगी. और आई विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ राम्स लाइफ. कहीं भी मैं हमेशा के लिए छोड़ के उसको जाने वाली नहीं हूँ. दैट्स द फैक्ट. एंड अब उसकी लाइफ में किस तरह से कितनी वापसी उसकी पर्सनल लाइफ में होगी, दैट फॉर दैट यू हैव टू वॉच द शो बिकॉज दैट इज़ समथिंग लाइक यू नो इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू to know ki what's going to happen exactly. वही पहले जैसा, वही पुराना स्टाइल. आई थिंक टू बी क्लोजर टू राम और उसको लाइफ में राम को ही हासिल करना है एज फार एज आई नो. और अब वापस आने के बाद में उसको पता चला है कि प्रिया उसके साथ में नहीं रह रही है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ओके यू नो प्रॉब्ली दिस इज माई चांस तो वी शुड गेट मैरिड. सो जितना मुझे लग रहा है अभी तक शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू राम. एंड अब वो कैसे होगा, किन ट्विस्ट के साथ होगा, होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ मिस्ट्री. अच्छा, आपकी बातें सच में सुन ली राम ने या फिर नहीं सुनी? एंगेजमेंट पार्टी में काफी कुछ ड्रामा भी देखने को. अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है एक्चुअली. सो यू विल सी, देखते हैं आगे क्या होता है. ओके, लास्टली अबाउट द लुक, आई थिंक ग्रीन कलर दिया है सबको. यू आर लुकिंग सो प्रिटी, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू. आई थिंक द कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट साकोरीना, हर नेम इज, आई हैव बीन, आई डोंट नो, आई हैव समहाउ फॉलन इन लव विद हर वर्क एंड आई थिंक शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब. As you said, it's beautiful. I also feel beautiful in this whole attire. I think everybody from the makeup artist to hairstylist and costume stylist, everyone has done an amazing job. So, yeah. Fans ko kya kuch kehna chahengi Vedika? Main bas yehi kehna chahungi ki yaar mujhe bahut galiyan pad rahi hain. Is baar mujhe lag raha hai pehle se bhi zyada padne wali hai. But that's okay. I mean, that's all right. That's part and parcel of my work and I'm playing such a character where I am supposed to have you know this kind of response from the audiences. But I would just say ki there is a lot of hard work goes behind performing scenes, so please usko overlook na kare because I know audience dekhna chahti hai ki Raya ke beech mein romance ho, but a television show is not always about just romance. There's so much more to that. There's so much more to perform for actors. So usko bhi I think just you know without overlooking that, just play some pay some attention to that also. Yeah, thank you.